पाकिस्तान से चल रहे बवाल के बीच एक बार फिर ईरान ने अपनी ताकत उसे दिखाई है। ईरान ने एक बार फिर अंतरिक्ष में 3 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, वो भी तब जब पाकिस्तान से उसका तनाव चरम पर है। 28 जनवरी को ईरान ने ये जानकारी दी कि उसने अंतरिक्ष में 3 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ईरान की तरफ से उठाया गया ये कदम पाकिस्तान की तो हालत खराब करेगा, साथ ही साथ पश्चिमी देशों के लिए भी ये बेहद चिंताजनक होने वाला है। ईरान हूतियों का समर्थन कर रहा, पश्चिमी देश लाल सागर में हूतियों के हमले को रोकने के लिए अपनी नौसेना को तैनात कर रहे, और ऐसे में ईरान अपनी ताकत बढ़ाते जा रहा है। ईरान के इस कदम से उसकी सेना को और बल मिलेगा। वहीं सरकारी एजेंसी इरना ने जानकारी दी कि लॉन्चिंग में ईरान के सिमोल रॉकेट का सफल उपयोग भी देखा गया, जो इससे पहले कई बार विफल रहा था। देखा जाए तो ईरान ने इस वक्त पश्चिमी देशों के साथ साथ इजराइल की नाक में भी दम करके रखा है। भले ही ईरान ने इस संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन यमन के हूती विद्रोहियों जैसे तमाम संगठनों का खुलकर समर्थन कर रहा। तो ईरान के सरकारी टेलीविजन की ओर से जारी किए गए फुटेज में रात के दौरान सिमोल रॉकेट का लॉन्च दिख रहा है। वहीं एपी ने फुटेज की जानकारी दी है, जिससे पता चलता है कि लॉन्च ईरान के ग्रामीण सेमनान प्रांत में इमाम खुमैनी स्पेस पोर्ट पर किया गया था। जो जानकारी आई उसके मुताबिक सैटेलाइट का नाम महदा केहान 2 और हथफन बताया गया है। महदा की बात करें तो वो एक अनुसंधान सैटेलाइट है। दूसरी मिसाइल केहान और हथ वैश्विक स्थिति और संचार पर केंद्रित नैनो सैटेलाइट है। वहीं अमेरिका, जो कि ईरान का कट्टर दुश्मन है, उसने पहले ही कहा था कि ईरान का सैटेलाइट लॉन्च यूएनएससी के प्रस्ताव की अवहेलना करता है और उससे परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़ी कोई गतिविधि नहीं करने को कहा गया है। हालांकि अमेरिका की ओर से जारी बयान को ईरान ने हमेशा ही नजरअंदाज किया है। कुल मिलाकर ईरान के सैटेलाइट लॉन्च से अमेरिका को तो नुकसान है ही, मगर पाकिस्तान, जिसके 9 नागरिक ईरान में मारे गए, उसके लिए ये बड़ी खबर होने वाली है। पहले ही ईरान से पाकिस्तान का बवाल चरम पर है, ऐसे में उसकी एक गलती ईरान से युद्ध में तब्दील हो सकती है। मगर ईरान ने जो 3 सैटेलाइट लॉन्च किए, इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।